हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसे वो भी चाहे किसी और को। करते हैं मेरी खामियों का तज़करा इस तरह, लोग अपने अमाल में फरिश्ते हों जैसे। अर्ज किया है, मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो, पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। यार गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों के लिए एक बार, गिरते हैं सजदों में अपनी ही हसरतों की खातिर एक बार, अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ना रहती। इरशाद करें, बाहों में जो इतनी मोहब्बत करने के बाद मेरा नहीं हुआ तो किसी और का क्या हो। यार ये मुझे ये बहुत गंदे लगते हैं, शायद जो राइम नहीं करते। राइमिंग होनी चाहिए, राइमिंग होनी चाहिए। जो तीर आपने मारा है मेरे दिल में लगा है, जो तीर आपने मारा है मेरे दिल में लगा है, सीट सारी फुल है। इरशाद करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह, करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह, लोग अपने अमाल में फरिश्ते हो जैसे। मतलब ये माइक वाह। इश्क में बंदे को रब ना बना, इश्क में बंदे को रब ना बना, इश्क में बंदे को रब ना बना क्योंकि रब से एक का नहीं होता। इश्क में बंदे को उल्फत का नशा जब कोई मर जाए तो जाए। उल्फत क्या होता है? मोहब्बत, प्यार की हद। उल्फत का नशा जब कोई मर जाए तो जाए, ये दर्द सर ऐसा है कि सर जाए तो जाए। हाय यार, प्यार में टूटे हुए लगते हो। हमने जैसे चाहा उसने चाहा किसी और को, खुदा करे जैसे वो चाहे वो भी चाहे किसी और को। इतने भाई को भी लगती है। अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, तलाश रिस्क की है राज़िक का ख्याल ही नहीं। अल्लाह अकबर। नहीं, मैंने लाल शर्ट और रेड गिटार उसे पटाने के लिए। वाह वाह। नहीं, मैंने लाल शर्ट और रेड गिटार उसे पटाने के लिए उसने छट से घर बुलाया अपनी शादी में बजाने के लिए। इश्क में बंदे को रब ना बना, बदलती फितरों की जमात है, जो कल साथ जीने मरने की कस्में खाता था आज सामने थामे किसी और का हाथ। तुम इतना मुंह क्यों खोल रहा है? अल्लाह को भीड़ में आना पड़ता है। व्हाट टचिंग, दिल को छू के निकली बात। हाँ, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में। शब भर क्या है? शब मतलब एक ही दिन में। अच्छा, शब भर में। अच्छा, ओके। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। वाह। छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना एक बार। वाह। छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना एक बार, उससे क्या हिसाब करना जो बेहिसाब देता है। शेख जाए काबे को हम इंग्लिस्तान देखेंगे। ओए ओए ओए। शेख जाए काबे को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो खुदा का घर देखेंगे, हम खुदा की शान देखेंगे। ओह माय गॉड। समझ लिया? समझ लिया?
बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है ये आईना। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है ये आईना। जो शिकस्ता हो तो अजीज पर है निगाह है आईना साज। वाह, बिल्कुल समझ नहीं आई यार। मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा हाँ। तू बचा बचा के आंखों की बात हो रही। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है ये आईना। लाइक योर आईज आर वेरी एक्सप्रेसिव। ये तुम्हारी मतलब तुम्हारी जो जो शीशे में जैसे नजर आते हैं ना, तो ये तुम्हारा सब कुछ आंखों में नजर आता है। ओके सही है। जो शिकस्ता हो कि मतलब अगर ये थोड़ी सी खराबती है, हाँ, अच्छा। खराब होती है, हारती है, रोती है, जो शिकस्ता हो तो अजीज, मतलब अजीज सब नेक्स्ट लेवल। हाँ, हाँ, हाँ। अजीज सर है निगाह है आईना साज में, कि मतलब जब ये रोती है तो ये लमिया के पास और मतलब ये लमिया के और करीब हो जाती है। मेरे किस्से सरे बाजार उछाले उसने, मेरे किस्से सरे बाजार उछाले उसने, जिसका हर एक ऐब जुमाने से छुपाया मैंने। यार ये तुमने गलत बात कर दिया। अच्छा, काफी लोगों के लिए, काफी लोगों के लिए इस शेर की तशरीह इस तरह है। मेरे ऐब छुपाए उसने, जिसके किस्से बाजारों में उछाले मैंने। राइम करेगा, राइम है, चलो। ले ली मैंने लाल शर्ट और रेड गिटार उसे पटाने के लिए, उसने झट से घर बुलाया अपनी शादी में बजाने के लिए। अच्छा जी, सो आई हैव अ शेर, इट्स बाय परवीन शाकिर। So yeah, this was also told to me by Amir. And this is very deep. So, and you're not going to understand it. Nobody's going to understand it if you haven't heard it. Even I didn't understand it. Magaz ko baag mein jaane na dijiyo. Magaz kya hota hai? Nahi. Magaz nahi. Magaz. Makki shahad ki. मगज को बात, एंड बाय द वे गाइस पे अटेंशन ओके, मगज को बाग में जाने ना दीजियो, वरना खूने ना हक परवाने का होगा। यू डिडंट अंडरस्टैंड इट, परवाना तो वो जो लाइट के इर्द गिर्द होता है। Exactly. और अगर वो नाउ लेट मी टेल यू, नाउ लेट मी टेल यू, अभी से घुस बम्स आ रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू गाइस ओके। This has double meaning, लेकिन शायर लोग साले कहाँ घुस के सोचते हैं, मेरे को समझ नहीं आता रे। रिक्स नहीं लेने का रे मेरे को बाबा। मगज को बाग में ना जाने दीजियो, वरना खूने ना हक परवाने का होगा। So the breakdown of the शेर is, मगज is शहद की मक्खी, इसको बाग में ना जाने दो, क्योंकि जब वो बाग में जाएगी तो वो फूलों का रस चूसेगी। जब वो फूलों का रस चूसेगी शहद की मक्खी, तो वो आके शहद का छत्ता बनाएगी। उसके अंदर शहद आएगा, इंसान उस छत्ते को हार्वेस्ट करेंगे, उस छत्ते में से शहद निकलेगी, और जो छत्ता इटसेल्फ है उसकी कैंडल बनेगी। जब कैंडल जलती है तो परवाना उस लाइट के इर्द गिर्द घूमता है, तो खूने ना हक परवाने का होगा। Now, what is the other meaning of this? In this situation, you are a parwana. I am a parwana. So yeah, magaz ko baag mein na jaane dijiyo. Magaz is your lover. Baag is your heart. Get it? Don't fall in stupid love, you kids. Don't let that person fool your heart. वरना खूने ना हक परवाने का होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली ये कितना डीप है। नहीं, अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, ओए अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, तलाश रिस्क की है राजिक का ख्याल ही नहीं। अली भाई मुझे कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले इकरा के बारे में, तो वो कहते कि समझती है कि मैं हर किसी पे दिल आ जाता, लेकिन नहीं, इकरा तुम्हारे पे शेर भी लिखा था पता है उन्होंने। अच्छा। कहते फूल हूँ गुलाब का चमेली का ना समझना, आशिक को आपका अपनी सहेली का ना समझना। अच्छा अली भाई, अगर आप अभी इसी वक्त जो है ना
इकरा के लिए कोई शायरी बोल देते हैं कसम से, हम मेक श्योर करेंगे कि ये शादी डन है। हाँ हाँ मैं इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ, ये शादी नहीं करेगा इन पे ज़्यादा। अली भाई कुछ अर्ज कर दें। मैं अर्ज करती हूँ। नहीं यार बस कर दो। अली आई स्वेयर दिस नॉट फॉर यू, वरना वैसे ही बता रही हूँ। ये मुझे ना टूटे दिल की शादी अली इट्स नॉट फॉर यू। हाँ, ना तुझसे दूर जाना मंजूर था। मुझे थप्पड़ मारा है ना, ना तुझसे दूर जाना मंजूर था, मैं तुझे मुंह पे मार दे, ना तेरी बाहों में रहना कबूल था, ये दिल भी अब समझ चुका था, मैं तेरी भूल थी तू मेरी भूल था। दोनों कौन थी आपस में बहने? Are you ready? Oppress the home. Culture hai le. Aur zindagi ji, we have no time to waste. Aunty ke chhod. Maan lo tum ye. बिन मांगे ही मिल जाती हैं ताबीरें किसी को फराज, बिन मांगे ही मिल जाती हैं ताबीरें किसी को फराज, कोई खाली हाथ रह जाता है हजारों दुआओं के बाद। उफ। मतलब किस्मत की बात है ना, समझ रहे हो कि किसी को बिन मांगे उफ बहुत सब कुछ मिल जाता है और किसी को मांग मांग के भी कुछ नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि वो मतलब वो जाहिर है वो तो अल्लाह मियां का है कि उसके हक में जो बेहतर है वही मिलेगा, लेकिन वो कुछ मांग कुछ रहा है उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो बस वो समझ रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं मिलता। जो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। पेनफुल लोग है ना, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। ये जो थे ना बॉय यार, दिस इज टू मच। ओके दिस इज इट, दिस इज हेलो ब्रो व्हाट द हेल, दिस कैन नॉट बी सो गुड। इलामा से इट अगेन कमाल कर दिया, प्लीज डू इट वंस मोर। पहले को इरशाद मुकरर दोबारा दिल में खुदा का होना लाजिम है फराज एक बार क्या शायद बदल गया। हर बात क्या कि फराज लगाते यूजुअली। अच्छा दिल में खुदा का होना लाजिम है एक बार, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। अमेजिंग यार हमें, एंड दिस इज Literally this kind of सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी मैं कमरे में बैठ के ये शेर पढ़ रही हूं। यार ये actually हमारी this is our present scenario at the moment, that the whole Muslim ummah is kind of on sajdas, लेकिन दिल में खुदा नहीं है, दिल में जब आपके दिल में ही खुदा नहीं है तो आप खुदा को खाली सजदों से खुदा तो नहीं मिलने वाला। ये सुनो, मुलाकातें अरूज पर थी तो जवाब अजान तक ना दिया इकबाल, मुलाकातें अरूज पर थी तो अजान तो जवाब अजान तक ना दिया इकबाल, आज जो सनम रूठा है तो मुअज्जिन बने बैठे हैं। मुअज्जिन वो होता है ना जो अजान देता है कि पहले तो जब तुम इतना इतनी तुम मिल रहे थे और तुम फुल फील में थे कि ओ हाँ जी अल्लाह को भूल गए, कि जो अजान का जवाब देते हैं वो भी नहीं दिया। हाँ, यानी कि नमाज नहीं पढ़ी। हाँ, नमाज नहीं पढ़ी। हाँ। अजान का मतलब अजान सुनी तक नहीं ना, और आज जो सनम रूठा है तो मुअज्जिन बने बैठे हैं। यार अमेजिंग यार, ना कलमा याद आता है ना दिल लगता है नमाजों में इकबाल, ना कलमा याद आता है ना दिल लगता है नमाजों में इकबाल, कुफर बना दिया है लोगों को दो दिन की मोहब्बत ने, कितनी अजीब है गुनाहों की जस्तजू इकबाल, ये मेरा फेवरेट शेर है, कितनी अजीब है गुनाहों की जस्तजू इकबाल,
नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए।